हेलो फ्रेंड्स, आज नमिका किचन में मैं आपके साथ कड़ी पकोड़े की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। और पकोड़े के इंग्रेडिएंट्स कुछ इस प्रकार हैं। सबसे पहले एक कप मैंने बेसन लिया, उसमें मैंने एक टीस्पून हल्दी, एक टीस्पून नमक, एक चौथाई टीस्पून अजवाइन जिसको मैंने हाथ में क्रश कर लिया, जीरा मैंने एक टीस्पून डाला है, साबुत जीरा है, अनियन को मैंने स्लाइस कर लिया है, स्लाइस करके चॉप कर लिया है, और करी लीव्स मैंने थोड़े से डाले। इससे पकोड़े का टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है, खुशबू अच्छी आती है। अब मैं थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिला लूंगी। मिलाने के बाद इसको मैं 20 मिनट के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं कि मैं थोड़ा थोड़ा करके ही पानी डाल रही हूँ, एक बार में ज़्यादा पानी मत डालिएगा। अब 5 से 6 मिनट तक मैं इस बैटर को अच्छे से मिलाऊंगी तो ये बैटर अच्छे से फूलेगा। देख सकते हैं मैं अच्छे से हिलाई इसको मिला रही हूँ, और बैटर को बहुत ज़्यादा टाइट या बहुत ज़्यादा पानी नहीं करना है। अब मैं इसको ढक के 20 मिनट के लिए रख दूंगी, और जब तक मैं अपने कढ़ी का जो घोल है बेसन और दही का वो मैं बनाऊंगी। अब मैंने एक बर्तन ले लिया, उसमें मैंने एक कप दही डाला और 1/4 कप मैंने इसमें बेसन डाला, और जो 1 कप था उसी में मैं 4 कप पानी डालूंगी। 1 कप बेसन में मैं 4 कप डालूंगी। अभी मैंने 2 कप डाला है, बाद में मैं फिर 2 कप डालूंगी। आपको थोड़ा पतला चाहिए तो आप और भी डाल सकते हैं। और मैंने साथ ही साथ 1 टीस्पून नमक और 1 टीस्पून हल्दी डाला है इसमें, और इसको अच्छे से मैं मिलाऊंगी। अच्छे से मिलाना बहुत ज़रूरी है। और इसमें मैंने कटा हुआ, बारीक कटा हुआ अदरक और बारीक कटा हुआ मैंने इसमें लहसुन भी डाला है। इसमें हरी मिर्च भी डाल सकते हैं इसी टाइम। ये जो कच्चा टेस्ट जो इसका आता है बाद में कढ़ी में, बहुत ही अच्छा लगता है। अभी चलिए हम पकोड़े तलते हैं। पकोड़े तलने के लिए मैंने 1/4 कप तेल लिया, रिफाइंड तेल लिया है, और अब हम इसमें पकोड़े तलेंगे। देख सकते हैं पकोड़े का बैटर अच्छे से फूल चुका है। 20 मिनट आधा घंटे के लिए मैंने रख दिया था। हमेशा आप पहले बैटर बना लीजिएगा पकोड़े का, उसको रख लीजिएगा, उसके बाद आप घोल तैयार कीजिएगा। पकोड़ों को आप बैच बाय बैच फ्राई करके रख लीजिएगा। रखने के बाद फिर हम कढ़ी की तैयारी करेंगे। बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना है, थोड़ा सॉफ्ट ही रखिए इसको ताकि कढ़ी इसमें अच्छे से घुस सके। एक बैच मैंने फ्राई कर लिया और बाकी बैच भी मैंने फ्राई किए, लेकिन वो मैंने वीडियो में नहीं दिखाया है। अब मैंने एक्सेस तेल, जो ज़्यादा तेल था, वो निकाल लिया, और उसमें मैंने साथ साथ सूखी लाल मिर्च, जीरा और सरसों, कड़ी पत्ता, प्याज और मैंने हींग डाल दिया इसमें। मेजरमेंट सब मैंने स्क्रीन में दे दिया है, आप इसको देख सकते हैं। 1/4 टीस्पून मैंने हींग भी डाला है। हींग डालना बहुत ज़रूरी है, इसमें खुशबू भी अच्छी आती है इससे, और गैस नहीं होता क्योंकि बेसन की कढ़ी है तो थोड़ा बहुत गैस होने के चांसेस हो जाते हैं। हल्दी मैंने 1/2 टीस्पून इसलिए डाला क्योंकि मैंने पहले भी डाला था। मिर्च पाउडर मैंने डाला है अभी, ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप ना चाहें तो ना ही भी डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी मैंने इसलिए डाला ताकि सूखे मसाले जो मैंने हल्दी और मिर्ची पाउडर डाला था वो जल ना जाए, इसलिए आप पानी ज़रूर डालिएगा थोड़ा सा। अब इसको हम पका लेंगे। पकाने के बाद हम गैस को कम कर लेंगे। गैस को कम करने के बाद ही हम जो दही और बेसन का घोल है उसको हम डालेंगे कढ़ाई में। अब हम इसको एक बॉईल आने देंगे अच्छे से। जब तक बॉईल ना आए हमको कंटिन्यूस इसको हिलाते रहना है, और हिलाने के बाद, अच्छे से हिलाने के बाद जब हम इसमें बॉईल आ जाए तो हमको कम आंच करके इसको पकाना है। कढ़ी का मतलब ही कढ़ना, इसको हमको अच्छे से कढ़ाना है, पकाना है। तो कम से कम 20 से 30 मिनट तक इसको अच्छे से पकने दीजिए कम आंच पे। जितना पकाएंगे उतना इसका टेस्ट अच्छा होगा और इसका कलर भी बदल जाएगा। जितना पकता रहेगा इसका कलर बदलता रहेगा। देख सकते हैं कढ़ी पक रही है धीरे धीरे। अगर आपको लगे मुझे कढ़ी बहुत गाढ़ी लग रही है आपको, तो थोड़ा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो मेरी कढ़ी बिल्कुल बनकर रेडी थी, तो मैंने उसी टाइम पकोड़ों को थोड़ा सा हाथों से दबा के कढ़ी में डाल दिया। थोड़ा दबा देने से क्या होता है, कढ़ी पकोड़ों के अंदर अच्छे से घुस जाती है।
अब मैं इसको और 5 से 6 मिनट तक पकाऊंगी पकौड़ों को डालने के बाद, ताकि कड़ी अच्छे से पकौड़ों में घुस सके। और ये कड़ी पकौड़ों को आप चावल के साथ खाइए, रोटी के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगता है। आज लंच में मैंने ये कड़ी पकौड़ा ही बनाया है। देखिए ये एकदम कितना अच्छे से बॉईल हो रहा है। अभी ये ऑलमोस्ट डन है, हमारा कड़ी डन है। अभी हम ऐसे भी खा सकते हैं, लेकिन मैं क्या करूँगी, इसमें ऊपर से तड़का लगाऊंगी। तो मैंने एक तड़का पैन लिया, उसमें मैंने 1 चम्मच घी ले लिया, और घी डालने के बाद मैंने इसमें 2 सूखी लाल मिर्च डाल दी। इसको थोड़ा अच्छे से लाल होने के बाद हम इसमें कटे हुए लहसुन की कलियां डाल देंगे। लहसुन से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। लहसुन को अच्छे से फ्राई करके, अच्छा मैं पहले मेथी डालना भूल गई थी कड़ी के तेल में। हमको कड़ी में मेथी डालना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने इसीलिए अभी इस तेल में मेथी डाल दिया। उस टाइम मैंने स्किप कर दिया था, तो अभी मैंने मेथी डाल दिया है। अभी हम गैस का फ्लेम को ऑफ कर देंगे। ऑफ करके ही हम मिर्ची पाउडर 1 चम्मच देंगे कलर के लिए। कश्मीरी रेड चिली पाउडर डालेंगे, कड़ी में अच्छा कलर आएगा। बस गैस ऑफ कर दिया हमने, और अभी हम कड़ी के ऊपर इसको डाल देंगे। देखिए आपका कितना सुंदर कड़ी बनके तैयार है। टेस्ट तो पूछिए मत, बहुत अच्छा हुआ था ये। अब ये रेडी है सर्व करने के लिए। आप भी ज़रूर बनाइए इसी तरह से, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए प्लीज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।